मेरा नाम फरबाज खान है, मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा, एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत। देखिए, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये नींव रखता है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कि नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, या फिर हम कहें तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे टॉपिक हो ही नहीं सकते अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है। मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ों को लिखना और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कर लेना। ये टॉपिक बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। और इसके बाद जब हम नॉर्मलिटी और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे, तो ये जो सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पढ़े हैं इन सबको हम यूज़ करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की एक सीधी सी डेफिनेशन कि जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस वक्त वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। दूसरी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन, यानी कि एक एटम पे जो चार्ज डेवलप्ड होता है जब वो कॉम्बिनेशन में हो। कॉम्बिनेशन में कब हो? जब वो एक कंपाउंड बना हुआ हो। तो अभी हम लोग जानेंगे कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिफरेंट एलिमेंट शो करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पीरियोडिक टेबल बनाना आता है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमें वैसे ही याद हो जानी है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। सबसे पहले हम एल्कली मेटल्स की ओर ले लेते हैं। यहाँ हे ली ना कर रब से फ्रेंडशिप, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। यहाँ फोर्थ से हम छोड़ देते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ बैगन आलू गाजर इन थैला, या फिर बड़ा एल्गा इन तालाब। उसके बाद छोटी सी गीता स्नेहा प्रभा, या फिर केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बईमान, ओ स्टाइल से टीपो फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, हे नीरज आओ करें एक्स रे। अब देखिए, यहाँ जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, इस चीज़ को हम लोग याद रखते हैं। दूसरा, जो मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सीधी से निकल जाती है। इनकी होती है प्लस वन, इनकी होती है प्लस टू, इनकी होती है प्लस थ्री, इनकी प्लस फोर या माइनस फोर होती है। नॉर्मली ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इनकी होती है माइनस थ्री, इनकी होती है माइनस टू, इनकी होती है माइनस वन और इनकी होती है जीरो। तो ये क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स की। तो हमें अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे कि सल्फेट, ये भी हमें याद होनी चाहिए। इसे मैं कैसे याद रखता हूं? मैं इन्हें याद रखता हूं एसिड्स के साथ रिलेट करने के, क्योंकि मुझे हमेशा याद रहता है कि H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 कैसे बनता होगा?
हाइड्रोजन की तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट रहती होगी और SO4 की माइनस टू रहती होगी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ड्रॉप एंड स्विच ट्रिक हम लोगों ने देखी थी। तो SO4 की कितनी निकलेगी यहां से, SO4 माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स। CO3 भी मुझे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि तुम्हारे थम्सअप में या सोडा में डलती है, उसे याद रहता है। तो यहां ये 2 है, तो ये 2 किसका होगा, CO3 का होगा, तो CO3 2 माइनस HCO3, तो H2CO3 आया था, तो HCO3 क्या है यहां, मतलब H की कितनी है, प्लस 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी शायद ये H2CO3 आया होगा। तो HCO3 की भी यहीं से निकल आएगी और ये कितनी होगी, माइनस 1 होगी। PO4, तो मुझे एक एसिड याद रहती है H3PO4, इससे मैं निकाल सकता हूं कि PO4 की कितनी है, 3 माइनस है। NO3, तो HNO3 के हिसाब से NO3 की निकल आएगी तो कितनी होगी, माइनस 1 होगी। तो हमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर यहां रटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक एटम दूसरे एटम्स के साथ जब कंबाइन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होती है। निकालना बहुत ही आसान है, मैं आपको कुछ 3 रूल्स बताऊंगा और वो 3 रूल्स से हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, वो 3 रूल में से पहला रूल है कि कभी भी एल्कली, जो कि हमने पढ़ा था ली ना कर रब से फ्रेंडशिप, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो कि हमने पढ़ा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये कभी भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करते। ये जो मेटल्स हैं ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कभी भी चेंज नहीं करते, कभी भी मतलब कभी भी, तो दे नेवर चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल नंबर 2, अगर पहले रूल के हिसाब से एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना हो तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के हिसाब से हाइड्रोजन भी अपनी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, जब तक कि उसका आमना सामना एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ना हो। थर्ड रूल जो कि हमें ध्यान में रखना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करता, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेवर चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये जो नेवर है ये ऐसा ही नहीं कि हमेशा ही नेवर नेवर रहेगा, इसकी भी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में पहले ही प्रायोरिटी दी जाएगी इन्हें, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी इन्हें, और इसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी इन्हें। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे हम लोग आसानी से जान सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो इस साइड जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, अगर नीचे उतरते जाएंगे ग्रुप्स के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर हम लोग पीरियड्स में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक और बात, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, दैट मींस उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लॉस किया है, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है दैट मींस उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई एटम है एक, तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल एटम है, मतलब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सोचो कि उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लूज कर दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसी पॉजिटिव चार्ज को हम यहां डिनोट कर रहे हैं। मान लो कि उसी एटम को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर मैंने यहां एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज ज्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वही हम ऑक्सीडेशन नंबर में दिखा रहे हैं। अब इन रूल्स को ठीक से समझने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
क्या मैं H2SO4 में से ये बताना है कि कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा? तो देखो, रूल के हिसाब से क्या था कि हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। रूल नंबर टू क्या था, अगर दो एलिमेंट्स हैं और ना तो वो एल्कली हैं, ना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ना हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन है? देखो, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा था, ओ स्टाइल से टिप, ओ ऊपर है, ऊपर है, और ग्रुप के अंदर नीचे कौन है, स्टाइल यानी कि सल्फर नीचे है, तो ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो ऊपर है पीरियड्स के अंदर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, और जब हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज़्यादा रहेगी, सल्फर से, तो ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। हाइड्रोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। अब हम इजीली सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया एक्स, ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं है, तो ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्या है, 0 है, तो हम लोग यहां लिखते हैं 2, हाइड्रोजन के ऊपर कितना है +1, प्लस सल्फर का एक्स मान लिया, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां क्या आएगा 2, और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो माइनस के 8 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया प्लस के 6, मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस के 6 है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, पहले तो मुझे ये बताओ इन चारों में से कौन है जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेगा। देखो, रूल नंबर टू था हमारा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन तो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसका आमना सामना किससे ना हो जाए, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो उसका आमना सामना एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से नहीं हो रहा है। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कभी भी चेंज नहीं करेगा। देखो, ऑक्सीजन कहाँ है, दूसरे नंबर के पीरियड में आता है ना, और क्लोरीन कहाँ आता है, तीसरे नंबर के पीरियड में आता है, मतलब कि अगर हम ग्रुप में नीचे जाएं तब जाके क्लोरीन आ रहा है, एक शेल एक्स्ट्रा उसका बढ़ रहा है, एक सेल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर कम होगा। अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज कम रहा तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी, मतलब ग्रुप में नीचे जाते हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होती है, ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर है उसे चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ मैं बोलूँगा ऑक्सीजन भी चेंज नहीं करेगा। अब कौन बचा है, क्लोरीन बचा है, तो क्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, और कितना कितना चेंज करेगा वो हम लोग देखते हैं। इस केस के अंदर हाइड्रोजन का कितना रहेगा +1, ऑक्सीजन का कितना रहेगा -2, ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है, 0 है, न्यूट्रल है, तो हमने यहां बोला अगर मुझे क्लोरीन का निकालना है तो +1 प्लस एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया +1, केस 1 में मेरा कितना आया एक्स इज इक्वल टू +1, अब केस 2 के अंदर अगर मैं निकालूं तो हाइड्रोजन का कितना है, वही +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा, चेंज कौन करेगा, क्लोरीन चेंज करेगा, तो यहां मैं निकालूंगा +1 प्लस एक्स, और ये माइनस के कितना आएगा 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया +3। अब यहां कितना होगा क्लोरीन का, ये +1 हाइड्रोजन का प्लस एक्स, ऑक्सीजन का कितना है -2 × 3 कितना आया -6, तो डायरेक्टली हम माइनस ही लगा देता हूँ, -6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया +5 आया। अब इस केस में देख लूँ तो +1 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, कितना आया +7 आया, और +7
क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्यों बोला भाई, ऐसा है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे या कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इनर्ट गैसेस को थोड़े ना पार करके जाएंगे। तो 7 के बाद क्या आता है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आता है जो कि बहुत स्टेबल है। अरे भैया उससे ज़्यादा स्टेबल थोड़े ना होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक होगी, जहाँ तक कि दूसरी इनर्ट गैस टकराती है, जहाँ तक कि दूसरी इनर्ट गैस आती है। तो हम लोगों ने ईजीली निकाल लिया। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हम लोग ईजीली लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ MnO4- और MnO2 के अंदर मुझे पहले तो ये बताना है कि कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। अरे भैया यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो अपना चेंज नहीं करेगा। चेंज किसको करना पड़ेगा, मैग्नीज को ही चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो दोनों केसेस में निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज कितना है, जीरो है क्या? अरे भैया जीरो नहीं है, क्या है, माइनस है। तो ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज कितना है, -1 है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस के, 4 हैं तो 2 - k × 4 -1। तो x इज इक्वल टू कितना है, ये -8 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू +k 7। तो यहां कितने हैं, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +k 7। दूसरे केस में ये x -k 2 है तो ये हम -4। यहां ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज कितना है, जीरो ही है। तो यहां मैंने जीरो लिखा, तो x इज इक्वल टू +k 4। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हमें बोले तो कहाँ ज़्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बोले तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ क्या है, +k 7 है, यहाँ +k 4 है। मतलब कि यहाँ क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया एक्स्ट्रा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लूज करेगा तब जाके +7 बनेगा। यानी कि प्लस का चार्ज तो हम लोगों ने सीखा था ना कि कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, और माइनस का साइन आता है जब इलेक्ट्रॉन मिलता है। अगर इसे हम 3 इलेक्ट्रॉन जाके देंगे तब जाके इसकी +k 4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। C2O4 2- होता है ऑक्सलेट आयन। अब ऑक्सलेट आयन के अंदर पहले मुझे ये बताओ कि कौन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर है उसे चेंज करेगा। देखो यहाँ हम लोगों ने बोला था ना, छोटी सी गीता स्नेहा प्रभा, यहाँ आया था अपना कार्बन, कार्बन के बाद कौन आया था अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आया था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज थोड़े ना करेगा। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करेगा, इसकी -2 ही रहेगी। चेंज कौन करेगा, कार्बन चेंज करेगा। तो कार्बन की कितनी चेंज होगी हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बन की हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो 2, अब देखो 2x है, दो कार्बन है, तो मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस के, ये 4 × -k 2 इज इक्वल टू कितना है, -2 है, तो यहाँ लिखूंगा -2। तो 2x ये कितना हुआ, -k 8 इज इक्वल टू -k 2। तो 2x इज इक्वल टू +k 6, x इज इक्वल टू +k 3। तो यहाँ जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, +3 आया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो देखने की ज़रूरत है क्या, अरे नहीं भाई, यहाँ कौन आ गया, ये आ गया हमारा एल्कली मेटल, हेली नाकर, नाकर मतलब पोटेशियम। तो ये पोटेशियम जो है ये एल्कली है, ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कभी भी चेंज नहीं करेगा। चेंज किसको करनी पड़ेगी, यहाँ ऑक्सीजन को चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी तो कितनी होगी, शुरुआत वाला है तो इसकी +1 ही होगी, और इसकी कितनी होगी, x मान लेंगे हम इसका। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं इसकी +1 +k 2x इज इक्वल टू 0, ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्योंकि 0 है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, हाफ आया, और हाफ किसका आया, -1/2 आया। तो ये जब ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है ऑक्सीजन, तो हम लोग उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम उसे, सुपर
ऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाए -1 तो हम उसे बोलते हैं परऑक्साइड। तो यहां ऑक्सीजन क्या है? सुपरऑक्साइड। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां मैं लिखूंगा H2O2। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वैसे ही पता चल रहा है पर फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे। देखो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ आया? ऑक्सीजन के साथ। तो पहला तो हम हाइड्रोजन की मानेंगे कि हाइड्रोजन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा अंटिल और अनलेस उसका सामना किसके साथ ना हो? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ना हो। तो यहाँ ये अपनी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसे चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 × +1 प्लस के 2x = 0। तो ये कितना आया? 2x = -2x = -1। और मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन -1 दिखाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है NaH। इस केस में कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा? देखो यहाँ हाइड्रोजन का आमना सामना किसके साथ हो रहा है? एल्कली मेटल के साथ हो रहा है। और जब हाइड्रोजन का आमना सामना एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होता है तो वही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है। वो जो है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वो किसी भी केस में अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज नहीं करते। तो यहाँ जो सोडियम है ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा +kx = 0। तो x की वैल्यू क्या आई? -1 आई। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लेता है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जब कभी भी आपके सामने एलॉय आ जाए, जैसे कि मान लो कि सोडियम और मरकरी से मिला हुआ ये एलॉय है जिसका नाम है सोडियम एमलगम, और आपसे पूछ ले कि भैया बता कि किसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि एलॉयज की केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है क्योंकि ये कोई कंपाउंड नहीं बनाते। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है और वहाँ कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है। एलिमेंट हैं मिक्सचर की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो 0 0 आएगी। अब कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं। जैसे कि अगर हम C3O2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएं, तो पहली बात तो ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा? या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा कार्बन का, ऑक्सीजन का नहीं, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वही मेथड लगाते हैं। यहाँ क्या आ रहा है? 3x + k। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? देखो ये चेंज नहीं कर रहा अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 × -k2 = 0। 3x + k − 4 = 0। तो 3x = 4, x = 4/3, जो कि सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो हम लोग ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर की ओर मूव करेंगे। इस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 3 कार्बन रहते हैं और वो इस तरह से डबल बॉन्ड बना कर रखते हैं। देखो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसे दोबारा डबल बॉन्ड की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ सहारा देगा और यहाँ ये ऑक्सीजन सहारा देगा। अब इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? इनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके स्ट्रक्चर से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ऑक्सीजन का क्या रहेगा? -k2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो यहाँ -k2 ये तो अपनी चेंज नहीं करता, ये भी -k2 अपनी चेंज नहीं करेगा। तो इसकी वजह से इस पर कितना चार्ज आएगा? +k2 चार्ज आएगा। इसकी वजह से इस पर कितना चार्ज आएगा? +k2 चार्ज आएगा। लेकिन जब सेम ही एलिमेंट्स हों तो वहाँ वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। तो यहाँ ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, तो इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो जो हम देख रहे थे असल में वो क्या था? वो एवरेज था, वो इन तीनों का एवरेज था। अगर देखा जाए तो सही स्ट्रक्चर में इसकी तो 2 होती है, +2, इसकी 2 होती है, और ये कितनी शो करता है? ये 0 शो करता है।
तो इसी वजह से हमारा क्या आता है, तीन है, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है अपनी, चार है। तो जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है, जो कि सही नहीं है। सही क्या है, यहाँ दो कार्बन कितनी शो करते हैं, +2, और एक कार्बन कितना शो करता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब अगला एक्सेप्शन देखते हैं, H2S2O8। इस केस में हमारा कौन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, सल्फर ही चेंज करेगा, क्योंकि हमारे रूल नंबर 2 के हिसाब से हाइड्रोजन तो अपनी कभी चेंज नहीं करता, तो हाइड्रोजन की यहाँ कितनी होगी, +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन भी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा, तो इसकी कितनी होगी, -2। चेंज कौन करेगा, सल्फर चेंज करेगा, तो जिसे हम एक्स मान लेंगे। तो ये हमारे इस केस में क्या होगा, 2 into +1 + k 2x + k 8 into -k 2 = 0। तो ये कितना बना, ये बना 2x, ये -k 16 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये -k 14 = 0। 2x = +k 14, x = +k 7। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फर की क्या +7 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना शो कर सकता है, +6 शो कर सकता है। अरे 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इनर्ट गैस को भी पार करेगा क्या, इनर्ट गैस को पार नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वो दे ही नहीं सकता, तो ये जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे देखने के लिए हमें फिर से स्ट्रक्चर की ओर मूव करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यहाँ मैंने एक सल्फर रख दिया, यहाँ मैंने दूसरा सल्फर रख दिया, मेरे को कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, 8 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, ऐसे ही एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब और कितने लगाने हैं, 4 और लगाने हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन भी 2 लगाने हैं, तो इसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 2 और ऑक्सीजन बचे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ दूसरा ऑक्सीजन भी आ गया और ये भी हो गया। देखो ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड हो गए, इधर भी डबल बॉन्ड है, 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 सब कुछ ठीक है। अब यहाँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो तो इस केस में जो चार्ज है वो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा, हाइड्रोजन तो वैसे भी बेचारा एक ही दे सकता है, तो यहाँ +1 यहाँ -1। अब ऑक्सीजन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो किससे ले रहा है, सल्फर से ले रहा है, तो सल्फर से भी खींच लिया तो -1, इसकी वजह से सल्फर पे क्या आ गया, +1 आ गया। यहाँ ये कितने ले लेगा, -2, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ही खींचेगा, जिसकी वजह से सल्फर पे क्या आ गया, +2 आ गया। इस केस के अंदर ये कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को सल्फर से फिर खींच लेगा, तो यहाँ क्या आ गया, -2, जिसकी वजह से सल्फर पे क्या आ गया, +2 आ गया। अब यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये खींचेगा, तो इस पे कितना है, -1, और इसकी वजह से इधर +1। ओवरऑल चार्ज सल्फर पे कितना हो गया, 1 + 2 2, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अगले वाले केस के अंदर यहाँ अगर हम लोग देखें तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है इस साइड भी, तो इस पे भी कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग ऑक्सीजन का चार्ज देख लें, तो इधर ऑक्सीजन पे इसका हाइड्रोजन की वजह से -1, सल्फर की वजह से -1, टोटल -2, इधर भी -2, इधर भी -2, और इधर कितना होगा, -1 होगा। लेकिन मैंने यहाँ और यहाँ नहीं लिखा, यहाँ मैं नहीं बोल रहा कि ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं सेम है, सेम एलिमेंट एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की खींचतान नहीं करते, वो दूसरे से ही इलेक्ट्रॉन की खींचतान करते हैं, वो भी इस बेसिस पे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है वही खींच लेता है। यहाँ तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो यहाँ ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी -1 -1 रहेगी। तो यहाँ दो ऑक्सीजन जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 रख रहे हैं, इसी वजह से जब हम यहाँ एवरेज आउट निकाल रहे थे 8 का, तो 8 में से जो 6 थे
उन छः की तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू ही थी, लेकिन बाकी के बचे हुए दो की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? माइनस वन थी। तो इसी वजह से हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब अगर हम इस तरह से देखें तो टोटल चार्ज देखो यहाँ से भी निकल के आ रहा है, तो यहाँ कितनी आ रही है? प्लस के सिक्स आ रही है, जो कि फिजिबल है, जो कि हो सकता है। अब देखो जरा जो हमने सीखा था उससे भी निकाल के देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? दो हैं, और एक हाइड्रोजन पे कितना है? प्लस वन, और प्लस वन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस वन इंटू टू प्लस के। सल्फर कितने हैं? दो हैं, 2x प्लस के। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है उसकी दो ऑक्सीडेशन नंबर है, माइनस टू तो 6 के हैं और माइनस वन 2 के हैं। तो मैंने यहाँ लिखा माइनस टू इंटू सिक्स प्लस के, माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? जीरो है। तो अब यहाँ मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा ये? 2 प्लस के 2x, और ये प्लस ना होके ये क्या रह जाएगा? माइनस ही रह जाएगा, माइनस के 12 माइनस के 2 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये 2 से ये 2 गया, तो 2x इज इक्वल टू प्लस के 12, x इज इक्वल टू प्लस के 6, जो कि हमने स्ट्रक्चर से निकाला था। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें आने चाहिए। अब एक और एक्सेप्शन देखते हैं, H2SO5। इसे भी निकालने का वही तरीका है, हाइड्रोजन अपनी चेंज नहीं कर रहा, तो मैंने बोला 2 प्लस 1 प्लस के, सल्फर की सल्फर ही चेंज करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने बोला इसका x है, और ये प्लस के 5 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज है जीरो, तो ये कितना बनाएगा? x इज इक्वल टू, देखो ये हो गया माइनस के 10, और ये माइनस के 10 में से 2 गया तो माइनस के 8, माइनस का 8 इधर गया, तो ये कितना बन गया? प्लस का 8। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है प्लस का 8। सही है क्या मेरा आंसर? अरे भाई सही नहीं है, पिछले वाले केस के अंदर तो मैंने बोला था कि प्लस 7 ही पॉसिबल नहीं है। जब प्लस 7 पॉसिबल नहीं है तो ये प्लस 8 कहाँ से पॉसिबल होगी? तो इस केस में भी मुझे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि एक सल्फर है, तो एक सल्फर मैंने यहाँ लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ से डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मुझे दो H और पकड़ने हैं, तो दो H को मैं हमेशा कोने में रख लेता हूँ इधर, तो H इससे जुड़ गया, ठीक है। अब मुझे एक दूसरा OH भी लगाना है, लेकिन उससे पहले मेरे अभी तक कितने हैं? तीन ही कवर हुए हैं, तो मैं चौथा यहाँ जोड़ देता हूँ। ये हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो दूसरा बॉन्ड किससे बना रहा है? ऑक्सीजन से बना रहा है, और यहाँ मैंने अपना बचा हुआ H लगा दिया। अब मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। इसका कितना होगा? प्लस वन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा क्योंकि ये ले लेगा, इसका इसकी वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस वन, और यहाँ चढ़ गया प्लस वन, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इस पर माइनस टू, इस पर प्लस टू, इस पर भी माइनस टू, इस पर प्लस टू, ठीक है। इस पर टोटल कितना हो गया? माइनस टू हो गया। अब इस केस के अंदर मैं देखूं तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस वन। यहाँ ये दोनों सेम है, अब जब ये दोनों सेम है तो एक दूसरे से खींचतान नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो ना यहाँ पे एक दूसरे की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। हाइड्रोजन पे यहाँ पे प्लस वन, तो यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। अब जरा देखें तो एक दो और तीन, तीन ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? माइनस के टू, जबकि इन दोनों ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? माइनस वन और माइनस वन। तो अगर मैं सल्फर का निकालने के लिए जाऊँ तो कैसे निकलेगा? एक्स, ठीक है, सल्फर का मान लिया मैंने, और दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का प्लस वन है, तो टू प्लस वन। सल्फर का निकालने के लिए जाएँ तो ये माइनस टू, ये माइनस टू, और ये माइनस टू, तो मैं बोलता हूँ कि तीन ऑक्सीजन की वजह से माइनस टू है, और दो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कितना है? माइनस वन है, तो प्लस के टू इंटू माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो। अभी कितना आ गया? दो, और माइनस के छः, माइनस के छः में से दो गए तो कितना है? माइनस के चार, यहाँ कितना है? माइनस के दो, ये इसके साथ मिले तो कितना आ गया? सिक्स,
तो हमारा कितना हो गया x इज इक्वल टू प्लस के 6। तो यहाँ जो सल्फर है वो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, प्लस के 6 कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते थे, देखो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 1, इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस 2, इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस 2, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 1, टोटल कितना हो गया 6 हो गया। सिंपल है अगर स्ट्रक्चर पता हो तो। अब एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं, H2S4O6। यहाँ मैं बोलूँगा क्या हाइड्रोजन चेंज नहीं करेगा तो हाइड्रोजन की प्लस 2, ऑक्सीजन चेंज नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की माइनस 2, और सल्फर चेंज करेगा तो जिसकी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा 2 इंटू प्लस 1 प्लस के 4 एक्स प्लस के 6 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 6 कितना हो गया 12 हो गया, माइनस के ये 2 अगे इधर गया तो ये कितना आ गया 4x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2.5। ये तो कुछ एवरेज आउट टाइप का हुआ है ना, तो इस केस के अंदर भी मुझे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो चार सल्फर है, 1 2 3 4, चार सल्फर ऐसे लगा दिए। ऑक्सीजन कितने 6 है, तो 1 2 1 2, ये तो कोने कोने में लगाए मैंने, तो इससे कितने हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए। बाकी के 2 ऑक्सीजन मुझे 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पड़ेंगे, तो उससे मैं यहाँ कर देता हूँ OH OH, ठीक है। अब इस केस में मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ। देखो इसका कितना है प्लस 1, जिसकी वजह से इस पर कितना आया माइनस 1। अब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा तो इस पर और एक और माइनस 1, इस पर कितना आ गया इसकी वजह से प्लस 1। ये 2 के 2 खींच लेगा तो यहाँ प्लस 2, ये 2 के 2 खींच लेगा तो यहाँ प्लस 2 और यहाँ माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2। इस केस में सल्फर सल्फर दोनों भाई भाई, यानी कि दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स की खींचतान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0। अब यहाँ पे इसी की तरह हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका खींचेगा सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींचेगा, हाइड्रोजन पे आया प्लस 1, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो प्लस 2, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ माइनस 2 और यहाँ प्लस 2, ठीक है। और इसकी वजह से इस पर कितना आया था प्लस 1, तो टोटल यहाँ कितना आया 5 और यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0। तो अगर हम लोगों ने निकाला था जो, वो ऐसे ही तो एवरेज निकला था, 2 का तो प्लस 5 था और 2 का 0 था। अगर मैं बोलूँगा एवरेज यहाँ निकालूंगा तो ये कितना है 4 है, तो 4ों का टोटल कितना है 10 है, तो यहाँ पे मैंने जब देखा था तो 10/4 ही आया था, तो मेरा 2.5 आया था, जो कि सही नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ मैं केवल स्ट्रक्चर को देखकर ही बता सकता हूँ कि 2 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो है प्लस 5, ये जो बाकी के 2 सल्फर हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0। अब एक और एक्सेप्शन देखते हैं जो कि है CrO5। ये जो CrO5 है ये भी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से भी, जो कि बनाता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा बनेगा, Cr देखो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे भी डबल डबल, इधर भी डबल डबल, ये बन गए बटरफ्लाई के पंख। अब बटरफ्लाई का मुंह बनाने के लिए इसे मैं जोड़ दूं, ये बटरफ्लाई का मुंह बनाने के लिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह का बनाएगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ मैं Cr की जो अगर निकालूं ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से अगर मैं निकालता तो मेरी क्या निकलती, इसकी मैं एक्स मानता और इसकी मैं कितनी मानता माइनस 2 मानता, तो एक्स प्लस के माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया प्लस के 10 आया। अब यहाँ से मैं अगर निकालना शुरू करूँ तो कैसे निकलेगा मेरा ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर माइनस 2 आ गया, इस पर इसकी वजह से कितना आ गया प्लस 2 आ गया।
ये इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे आ गया प्लस वन, ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा प्लस वन, जिसकी वजह से इस पे माइनस वन, इस पे माइनस वन, पर ये दोनों तो भाई भाई है, ये दोनों तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेंगे, तो यहाँ माइनस वन ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी माइनस वन, जिसकी वजह से इस पे प्लस वन और इस पे प्लस वन। टोटल इसका चार्ज कितना हुआ, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ जो क्रोमियम है इसने कितना चार्ज शो किया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो किया, प्लस सिक्स। यहाँ जब हम निकाल रहे थे तो हमारा कुछ और आ रहा था, क्योंकि हम सारे के सारे ऑक्सीजन को क्या मान रहे थे, माइनस टू मान रहे थे, लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन यहाँ माइनस टू नहीं है, यहाँ चार ऑक्सीजन तो माइनस वन रखते हैं, एक ही ऑक्सीजन माइनस टू रखता है। अगर मैं अब निकालूंगा तो मेरा निकल आएगा एक्स प्लस के चार ऑक्सीजन मेरे कितने रख रहे हैं, माइनस वन, और एक ऑक्सीजन मेरा कितना रख रहा है, माइनस टू, इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, माइनस चार और माइनस दो मिलके कितने हो गए, प्लस के सिक्स हो गए, सेम ही आया है। उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आया होगा। इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक को पक्का करने के लिए अभी की अभी 50 से 60 क्वेश्चन लगा लीजिए, जिसके अंदर जो भी मैंने तीन रूल बताए थे उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अगर तीन रूल से नहीं मिलता तो एक्सेप्शंस की तरफ जाइए, जो मैंने एक्सेप्शंस बताए उन्हें कीजिए, जो एक्सेप्शंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हें देखिए। अगर ये सब कुछ आप कर लेते हैं तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पक्का हो जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आ गया तो यकीन मानिए रेडॉक्स में कुछ बचता ही नहीं, तो यकीन मानिए नॉर्मलिटी आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो यकीन मानिए जो ग्राम इक्विवेलेंट या फिर जो इक्विवेलेंट मास निकालना है वो आपको बच्चों का खेल लगेगा। तो अभी की अभी 50 से लेके 60 क्वेश्चन लगा लीजिए। जय हिंद, जय गुरु भारत।